योग निद्रा पूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति लाने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसका उद्गम तांत्रिक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग निद्रा के वर्तमान रूप का आविष्कार किया है। आइए जानते हैं योग निद्रा के जन्म की कहानी स्वामी सत्यानंद सरस्वती के शब्दों में। जब मैं ऋषिकेश में अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी के साथ रहता था, तो मुझे एक महत्वपूर्ण अनुभव हुआ, जिसके कारण मुझे योग निद्रा के विज्ञान को विकसित करने में रुचि पैदा हुई। मुझे एक संस्कृत विद्यालय में रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहाँ छोटे बच्चे वेदों का पाठ करना सीखते थे। जिस समय आचार्य बाहर गए होते, उस समय रात भर जागकर पहरा देना मेरी जिम्मेदारी थी। 3 बजे सुबह मैं गहरी निद्रा में चला जाता था और प्रातः 6 बजे उठकर वापस आश्रम चला आता था। इस बीच लड़के 4 बजे उठकर स्नानोपरांत संस्कृत स्तोत्रों का पाठ करते हैं, परंतु मैंने कभी उन्हें नहीं सुना था। कुछ समय के बाद मेरे आश्रम में एक बड़ा आयोजन हुआ और उस संस्कृत विद्यालय के लड़कों को वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बुलाया गया। आयोजन के दौरान उन्होंने कुछ श्लोकों का उच्चारण किया, जिन्हें मैं नहीं जानता था। फिर भी कहीं से मैंने महसूस किया कि मैंने इन्हें पहले कभी सुना है। ज्यों-ज्यों मैं सुनता गया, यह भावना प्रबल होती गई और मैं यह याद करने का व्यर्थ प्रयत्न करता रहा कि कब और कहाँ इन मंत्रों को मैंने सुना है। मुझे पक्का मालूम था कि मैंने इन्हें कभी पढ़ा या लिखा नहीं है, फिर भी वे मुझे कितने सुविदित लग रहे थे। अंततः मैंने लड़कों के आचार्य से यह पूछने का निर्णय लिया, जो बगल में बैठे हुए थे, कि क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा, उसने जीवन के प्रति मेरा संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि सुपरिचित लगने की यह भावना बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मेरे सूक्ष्म शरीर ने लड़कों को इन्हीं मंत्रों का पाठ करते हुए अनेक बार सुना है, जब मैं उनके विद्यालय में सो रहा होता था। यह मेरे लिए एक महान रहस्य उद्घाटन था। मैं तो समझता था कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित होता है, परंतु इस अनुभव से मुझे यह बोध हुआ कि हम बिना किसी इंद्रिय माध्यम के भी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तथ्य से योग निद्रा का जन्म हुआ। उस अनुभव से मेरे मन में आगे के विचार आए और एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मैंने यह अनुभव किया कि निद्रा
पूर्ण अचेतन अवस्था नहीं है। जब व्यक्ति सोया रहता है तब एक अंतः शक्ति, एक प्रकार की सजगता बनी रहती है जो बाहर की परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः जागरूक और सतर्क रहती है। मैंने ये पाया कि मन को प्रशिक्षण देकर इस अवस्था का उपयोग करना संभव है। इस अन्वेषण के बाद मैंने एक नई दृष्टि से तंत्र शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। मुझे कई ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास मिले जिनके संबंध में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इन अभ्यासों के प्रति मेरे मन में गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। स्वयं उनका अभ्यास करने के बाद मैंने योग निद्रा नामक एक नई पद्धति की संरचना करने का निश्चय किया, जिसमें उन अभ्यासों का सार तो समाहित हो पर जटिल अनुष्ठान ना हो। योग निद्रा का वर्तमान रूप, जिसका आविष्कार स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया है, ऐसे लोगों को पारंपरिक न्यास के संपूर्ण लाभ उपलब्ध कराने में सक्षम है जो संस्कृत मंत्रों से अपरिचित हैं। योग निद्रा का अभ्यास बहुत सरल है। आराम से शवासन में लेट जाएं और निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में योग निद्रा के अभ्यास हेतु वीडियोस की लिंक दी गई है। योग निद्रा प्रत्याहार का एक अभ्यास है जो गहन एकाग्रता एवं समाधि की उच्चतर अवस्था तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।